देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से, वन्य जीव तस्कर खाल के साथ गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तेंदुए की खाल के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार कर वन्यजीव अधिनियम एक्ट के तहत की कार्रवाई। उधमसिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसटीएफ की सूचना पर वन विभाग की संयुक्त टीम को उस समय सफलता हाथ लगी। तस्करी कर ले जा रहे तेंदुए की खाल को राज्य से बाहर बेचने ले जा रहा था। जानकारी देते हुए वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि खटीमा वन विभाग रेंज के अंतर्गत सीमा पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले वन्यजीव तस्कर को एक खाल के साथ गिरफ्तार किया है और पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। फिलहाल वन अधिनियम एक्ट के तहत पकड़े गए तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। एक अभियुक्त तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसको हमने जो है खटीमा वन क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार किया हुआ टीम और एसटीएफ टीम ने इसको गिरफ्तार किया। तो सर, युवक कहाँ का है जो पकड़ा गया है? ये लखीमपुर खीर का रहने। सर, आगे भी जांच जारी है? हाँ, जांच चल रही है, जांच में करते और चीजें बता पाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।